इस वीडियो में हम आपको पीएचपी चला के दिखाएंगे कि सेटिंग्स के बाद पीएचपी सब चलता है कि नहीं। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे आप लोकल होस्ट करेंगे अब आईएस वेब सर्वर खुल जाता है। अब पीएचपी की फाइल बनाने के लिए आपको इसी के फोल्डर में आना होगा, तो उसके लिए आप सी ड्राइव में आइए, अब आईएस वेब सर्वर है इस फोल्डर में आइए, और इसका फोल्डर है एचटी डॉक्स, इसके अंदर आइए। आपको फाइल यहीं पर रखनी पड़ेगी, अगर और कहीं रखेंगे तो फिर आपको पाथ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं टेस्टिंग, और जो उसका एक्सटेंशन है टीएक्सटी, इसको पीएचपी करना कंपलसरी है। ये पूछ रहा है एक्सटेंशन चेंज कर दें, आप बोलिए यस। अब इसको एडिट करने के लिए एडिट पे आ जाइए, और इस प्रकार आप एडिट मोड में खुल जाएंगे। पीएचपी का कोड लिखने के लिए लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और फिर क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए आपको लिखना पड़ता है इको, और यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलन यहाँ लिख देंगे, और यहाँ डबल कोट्स के अंदर आप जो लिखेंगे वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ लिख देंगे पी एच पी इज रनिंग, इसको सेव करके अब आप ब्राउजर में आ जाइए। आप ये लोकल होस्ट है, इसके आगे आपको लिखना होगा स्लैश फाइल का नाम जो टेस्टिंग डॉट पी एच पी, उसको एंटर करिए, तो आप देख सकते हैं पी एच पी इज रनिंग। तो इसका मतलब हुआ कि सारी सेटिंग्स हो गई है और आपके लोकल मशीन में पीएचपी काम कर रहा है। अगर आपको पीएचपी की सारी डिटेल्स चाहिए तो आप कोड में आके इसको डबल स्लैश लगा के कमेंट्स बना दीजिए, और यहाँ लिखिए पीएचपी इन्फो ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कॉलन, और इसको सेव करके और ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये पीएचपी की सेटिंग है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं पीएचपी वर्जन 5.4.0, और ये सिस्टम कंपाइलर और ये सारी सर्वर एपीआई, ये सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं, नीचे तक जाएंगे तो आपको सारी किस्म की सेटिंग्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारा सेटिंग्स का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।